भू वालों ने बता दिया है कि जब तक हम मरेंगे नहीं, जब तक कोरोना साथ में रहेगा हमारे। तो ये लॉकडाउन से पिछली बार लगाए तो उससे कुछ हासिल वसूल हुआ क्या अभी तक के? सरकार की तरफ से एक पैसे का भी कोई हेल्प नहीं, सिर्फ लॉकडाउन, लॉक हो जाओ। इतनी जमा पूंजी खर्चा करके वक्त निकाल लिया, तो ये लॉकडाउन लगाना एकदम गलत डिसीजन है। बिल्कुल, कोरोना के नाम पे गरीबों को मिटाने का धंधा चालू है। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाता है लॉकडाउन में घर फार्म हाउस पे जाके मजे करता है, सेल्फी निकालता है। अरे जिस चीज की जरूरत है उस पे आप काम करो ना, ना वैक्सीन मिल रही है ना दवा मिल रही है। अभी IPL चालू है, इलेक्शन चालू है, वहाँ गर्दी जमा हो रही, तो वहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर, रमजान स्पेशल ऑफर अप टू 40% डिस्काउंट के साथ। ईद लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान, करारा पंपलम, गाउन, वॉइस फुल सूट, वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस, प्रीमियम क्वालिटी, सबसे सस्ता और अच्छा। रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार और रविवार दो दिन को लॉकडाउन लगाया था, मगर आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और मुंबई शहर में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। सभी दुकानें पूरी तरह से बंद है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, मगर वही कुछ लोग लॉकडाउन से काफी खफा है। दो दिन का लॉकडाउन आज खत्म होने वाला है, मगर लगने वाले 8 दिन के लॉकडाउन से लोगों को डर लग रहा है। ज्यादातर लोग लॉकडाउन के खिलाफ हैं। इनका कहना है कि अस्पतालों में बेहतर इलाज, बेहतर सुविधाएं सरकार को मुहैया करानी चाहिए, मगर उसके बावजूद ज्यादातर महाराष्ट्र के अस्पतालों में इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लॉकडाउन से आम जनता पर बुरा असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 8 दिन का लॉकडाउन लगाने का इशारा दिया है, क्योंकि जिस तरह से स्थिति महाराष्ट्र में भयानक होते जा रही है उसके वजह से सीएम ने कहा है कि लॉकडाउन लगाने के अलावा और भी कोई रास्ता नहीं बचा है। मगर वही आम जनता इस पर अलग अलग अपनी राय दे रही है। लॉकडाउन के विरोध में आम जनता नजर आ रही है। हमने इस पर आम जनता से भी बात की है, क्या कहना है उनका सुन। क्या कहेंगे अभी जिस तरह से लॉकडाउन लगाने की बात सामने आ रही है, जो सरकार फैसला ले सकती है अगले 8 दिन लॉकडाउन लगाने का ऐलान हो सकता है? देखिए लॉकडाउन पहली बात तो ये लॉकडाउन से पिछली बार लगाए थे उससे कुछ हासिल वसूल हुआ क्या अभी तक के? नहीं हुआ। और रही बात पिछली बार जब लॉकडाउन लगाए थे तो लोगों के पास कुछ ना कुछ जमा पूंजी थी, जेवर थे, कुछ था, तो आदमी ने बेच के अपनी जमा पूंजी खर्चा करके वक्त निकाल लिया, पड़ोसियों ने एक दूसरे को मदद करके एक दूसरे का टाइम निकल गया वो। लेकिन इस बार तो ऐसा है कि मदद करने वाले भी खाली बैठे, उनके पास भी कुछ नहीं है। लोग ऑलरेडी जो है कर्जे में है, जो पुराने रेंट पर रहते थे उनके रेंट नहीं उतर पाए हैं, लोग जो जहाँ से कर्जा लेके अपना घर चलाए थे वो कर्जा नहीं उतार पाए हैं। ऐसे में ये लॉकडाउन लगाना एकदम गलत डिसीजन है। बिल्कुल हाँ, या तो फिर सरकार साल भर का लॉकडाउन लगा देवे, सबको साल भर का पैसा भेज देवे घर पे खर्चे का, कि भाई ये तुम्हारा साल भर का खर्चे का पैसा पकड़ो, साल भर लॉकडाउन रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं होगा, फिर आराम से आदमी बर्दाश्त कर लेगा। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, स्थिति काफी भयानक होते जा रही है, अस्पतालों में जगह नहीं है, तो सरकार का साफ यही कहना है कि उनके पास और कुछ विकल्प नहीं बचा इसके अलावा। नहीं ठीक है, कोरोना तेजी से फैल रहा है, हम मानते हैं बीमारी है, महामारी है, हम भी मानते हैं, लेकिन कैसा है कि लोगों के हालात नहीं है ना उस लायक के, जैसे बाकी गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज में लोगों को जो है राशन वगैरह दिया जा रहा है, उनका खर्चा पूरा बर्दाश्त किया जा रहा है, उस तरह से करो। अब IPL चालू है, इलेक्शन चालू है, वहाँ गर्दी जमा हो रही, तो वहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। एक आदमी अगर गरीब जो है फ्रूट लगा के, सब्जी तरकारी लगा के बैठ गया तो कोरोना फैल जाएगा। रिक्शा वाले ने रिक्शा निकाला, रिक्शा में 3 सीट बैठी तो कोरोना फैल जाएगा, और वही तीनों जो है एक ही घर में रहने वाले परिवार को कोरोना नहीं फैलेगा, घर में रहेंगे साथ में तो, लेकिन वो तीनों अगर माँ बाप बेटे हमारी रिक्शा में बैठ गए तो कोरोना फैल जाएगा। बसेस जो है, बसेस के अंदर पूरी सीटिंग अलाउड किया है, रेलवे के अंदर पूरी सीटिंग अलाउड, स्टैंडिंग खाली मना किया है ना, बराबर। रिक्शा के अंदर 2 सीट अलाउड है। अब ये बताओ, मीटर वाली रिक्शा को 2 सीट 1 सीट से फर्क नहीं पड़ता, उसको उसका पैसा मिल जाता है। हम लोग जो है शेयरिंग वाले, हमारे हम 2 सीट बिठाएंगे तो हमको 3री सीट का पैसा कौन देगा?
तो ऑलरेडी हम लोग नुकसान में चल रहे हैं। सरकार जो लॉकडाउन का डिसीजन ले रही है, हाँ, ये आम जनता के भलाई के लिए ले रही है ना, कि किस तरह से कोरोना फैल रहा है, खतरनाक बीमारी है, लोग इसके चपेट में ना आए। हाँ, तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है कोरोना खतरनाक बीमारी है, लॉकडाउन लगा रहे हो तो लॉकडाउन सिर्फ गरीबों के लिए, आईपीएल के लिए लॉकडाउन नहीं है, इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, वहाँ भी लगाओ ना, उन पे भी लागू करो ना। दूसरे महाराष्ट्र में नहीं है, दूसरे इलाकों में है, बराबर है, तो दूसरे इलाकों में भी तो कोरोना है ना, कोरोना तो पूरे देश में है ना। आज लोगों की कंडीशन तो देखो, माली हालत तो देखो यार, लोग किस दौर का सामना कर रहे हैं, लोगों के क्या हालात है, इसमें क्या होता है भाई, अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाता है लॉकडाउन में घर फार्म हाउस पे जाके मजे करता है, सेल्फी निकालता है, बेचारा जो गरीब है एकदम, उसको भी फर्क नहीं पड़ता है, उसको भी कहीं ना कहीं से वो मान के खा लेता है, मर जाता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को अपनी इज्जत भी मेंटेन करनी है, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता, कि अब आदेश है, गवर्नमेंट का आदेश है, सरकारी आदेश है, पालन तो उसका करना है, लेकिन ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि भाई हमारी जनता जो है वो किस चीज़ का सामना कर रही है, किन हालात का सामना कर रही है, ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है, क्योंकि चुनके तो हमने ही दिया है ना, सरकार तो हमने ही बनाई है ना, तो उनको हमारे बारे में तो सोचना चाहिए ना कम से कम। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, हु वालों ने बता दिया है कि जब तक हम मरेंगे नहीं, जब तक कोरोना साथ में रहेगा हमारे, तो क्या जब तक ये मतलब हर टाइम के आप लॉकडाउन लगा लगा के लोगों को मारोगे, ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है, एक्चुअली में इस देश से गरीबों को आपका गरीबी ख़त्म नहीं करना, गरीबों को ख़त्म करना है। और दूसरी बात है, आज देखे रहेंगे आपने वानखेड़े में आईपीएल चालू हो गया है, आईपीएल चालू है वो अमीरों का है, तो अमीर लोगों को जाके इंजॉय करने के लिए आईपीएल चालू कर लिया, क्या उधर कोरोना नहीं फैलेगा? और दूसरी बात है, अगर आपको कोरोना भगाना है, जिस तरह बंगाल में आज कोरोना नहीं है, गर्दी आपको उम्र पड़ती है, यहाँ पे भी इलेक्शन लागू कर दो आप लोग, कोरोना भाग जाएगा ऑटोमेटिक, गर्दी देख के भागता है कोरोना, मुझे ऐसा लगता है। और रह गई बात कोरोना के अंदर, सबसे ज़्यादा आपका गरीब को तकलीफ नहीं होती है, मिडिल क्लास को होती है, तो मैं बोलता हूँ गरीब और मिडिल क्लास छोड़ के एक और एक तबका है जो हैंडीकेप है, जो हर जगह जाके लाइन लगा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, बेचारे उनको धक्के मार के भगाए जाते, उन तक एक राशन तक नहीं पहुँचता है। मैं खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, संगठन से मैं मांग करके थक गया, ठाणे महानगर पालिका ने पूरा लॉकडाउन बीत गया, अभी दूसरा लॉकडाउन लग गया है, मैं एक रुपये की मदद ठाणे महानगर पालिका करती नहीं विकलांगों को, और करती है अगर जो संस्था चला रहे हो, जो बेचारे जैसे उम्मीद वाले हैं ये इन लोग, मगर वो भी अच्छे अच्छे लोग को देते हैं, हैंडीकेप घर तक राशन नहीं पहुँचा रहे, पहुँचाए भी रहेंगे तो 10% राशन पहुँचा, 90% वैसे ही बेचारे कैसे भी अपना गुजर बसर करते हैं, कोरोना के नाम पे गरीबों को मिटाने का धंधा चालू है। नहीं, आप लॉकडाउन का क्यों विरोध कर रहे हैं? सरकार आप लोगों के हित में ही डिसीजन ले रही है ना, कि कोरोना महामारी ना बढ़े, ले रही है। नहीं, पिछला जो लॉकडाउन निकला, पिछला जो लॉकडाउन बीता ना वो अपना लॉकडाउन की चैन तोड़ने के लिए उन लोगों ने ये बनाया ना, कोरोना की चैन तोड़ने के लिए इन लोग लॉकडाउन लगाए थे, तो वो लॉकडाउन लगाने का मकसद क्या था? अगर चैन नहीं टूटा है तो चैन टूटा है क्या? नहीं टूटा चैन, वापस लॉकडाउन लगा रहे, फिर यहीं पर चैन क्यों बढ़ गई इतनी, इतना बीमारी यहीं क्यों बढ़ रही, महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रही, बाकी अन्य राज्यों में क्यों नहीं बढ़ रही है? अभी आपने देखा रहेगा सीएम उद्धव ठाकरे के बंगले के सामने कुछ जिम कम्युनिटी के लोग, पारसी लोगों ने विरोध दर्ज कराया, एक युवान करके जो एक अच्छा एक्टिविस्ट है उसने खुला बताया, आपको मैं वीडियो बताता हूँ, देखिए उसने वो वीडियो में बोला खुला कि ये सब कुछ नहीं है, हम इसका विरोध कर रहे सरकार के लॉकडाउन का पूरी तरफ से, हम जब मास्क लगाते ना, ये मास्क से हमारी गंदी हवा और अच्छी हवा अंदर बाहर नहीं आने के कारण हम और बीमार पड़ रहे हैं। अगर लॉकडाउन लगाने से पब्लिक सेफ हो जाती थी तो मैं बोलता था लॉकडाउन लगाने में कुछ फ़ायदा है, आज पब्लिक हर जगह देखो परेशान है, रिक्शा वाले परेशान है, गरीब धंधे वाले परेशान है, दुकानदार परेशान है, सरकार की तरफ से एक पैसे का भी कोई हेल्प नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन, लॉक हो जाओ, लॉक होने से अगर पेट भर जाता है तो लॉक कर दो। लेकिन सरकार भी शौक से नहीं लगा रही ना, तो कोरोना की जो है रफ्तार काफी तेजी से महाराष्ट्र में बढ़ रही है, रोकथाम के लिए कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं कदम उठाओ, हम ये नहीं बोल रहे, पर लॉकडाउन में कौन सा सरकार हेल्प कर रही है? जो अगर जिसको कोरोना हो जा रहा है तो क्या सरकार उसका खर्चा उठा रही है? आम आदमी उठा रहा है ना, जिसके घर का हो रहा है व्यक्ति वही अपना उठा रहा है ना, चार चार पाँच पाँच दिन लोग लाइन में खड़े हैं, वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो किसकी भी फलता है? सरकार की भी फलता है ना, कि पब्लिक की भी फलता है? खाली बस लॉकडाउन लगाने से काम होना? अरे जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर आप काम करो ना, ना वैक्सीन मिल रही है, ना दवा मिल रही है, ना एलएस वो आपका क्या बोलते गैस नहीं मिल रहा है, क्या है मतलब क्या है, एंटीवेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है,
एक एक बेड पे दो 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 पेशेंट लेटाया गया है। यानी इलाज की जो है बेहतर सुविधा होनी चाहिए, इलाज की बेहतर सुविधा होना चाहिए, और जो इंजेक्शन नहीं अवेलेबल है उसको अवेलेबल कराए सरकार, जो इतने टाइम जिस किस दवे की जरूरत है उसको उपलब्धियाँ कराए सरकार, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये लॉकडाउन पे ध्यान देना चाहिए। बहरहाल जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर बढ़ रही है, हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से सरकार आम जनता के हित में जो फैसले ले रही है उस नियम का पालन करना जरूरी है और मास्क लगाना भी बेहद जरूरी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।